और उदयपुर शहर में छोटा मदार और मदार तालाब में पानी की आवक जारी है। इस बीच कल दोपहर रपट पर पानी के तेज बहाव के कारण फंसे स्कूल स्टाफ और 20 विद्यार्थियों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। आपको बता दें कि छोटा मदार और बड़ा मदार तालाब में पानी की जोरदार आवक हो रही है। इस दौरान कायलों का गुड़ा को जोड़ने वाली रपट पर भी पानी बढ़ गया है, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदार के 20 विद्यार्थी और स्टाफ स्कूल में फंस गए थे, जिनको रात वहीं गुजारनी पड़ गई। आज सुबह नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया, जिसके बाद सभी को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। तो एक स्कूल में बच्चे यानी स्कूली छात्र और उनके साथ अध्यापक फंस गए थे। लगातार बरसात हो रही थी और चारों तरफ पानी पानी हो गया था स्कूल के, लिहाजा कोई भी वहां से निकल नहीं पा रहा था। रात भर बच्चों ने और शिक्षकों ने स्कूल के अंदर ही ये वक्त गुजारा और आज सुबह जब टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए पहुंची तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, उन्हें प्रभावित इलाके से निकाला गया है। द्वारा भेजी गई रेस्क्यू टीम द्वारा बहुत ही तत्परता से, सजगता से, निष्ठापूर्वक दर्शन के साथ बहुत बहादुरी, जिम्मेदारी, समझदारी के साथ सफल रेस्क्यू कर दिए गए हैं। पूरा स्टाफ सुरक्षित रूप से रेस्क्यू दुनिया से निकाल दिए गए हैं। सारी मुकाबली महिलाएं और पुलिस वर्ग जो है पूर्ण गया सुरक्षित दुनिया पार पहुँच कर मदार पहुँच चुके हैं और मदार से पहुँच करके ये अपने गंतव्य स्थान अपने घर की तरफ उत्पन्न कर रहे हैं।